हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक नया क्राफ्ट लेकर आई हूँ। तो आज मैं इस क्राफ्ट में इस प्लास्टिक के बॉटल का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम इस प्लास्टिक के बॉटल को मार्क करके कट कर लेंगे। इस बॉटल को कट करने के बाद मैं इसके एक साइड पे ग्लू लगाऊंगी और इसे एक चार्ट पेपर पे चिपका लूंगी। आप चार्ट पेपर की जगह कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसे चिपकाने के बाद मैं इसके किनारों को इस तरह से कट कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं इस तरह के दो स्टिक ले रही हूँ और इस स्टिक को मैं इसके दोनों तरफ चिपका लूंगी। उसके बाद मैं इस तरह के दो छोटे स्टिक लूंगी और मैं इसे ऊपर ऐसे चिपका लूंगी। हमने जो चार्ट पेपर नीचे चिपकाया था उस पे मैं फिर से सेलो टेप लगा रही हूँ। इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी लगा रही हूँ। इसे लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा चार्ट पेपर है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आप भी इसे इस तरह से चिपका सकते हैं। इसके बाद मैं फॉइल पेपर ले रही हूँ और इस फॉइल पेपर को मैं इसके नीचे वाले सिरे पर चिपकाऊँगी। तो इसे चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन की मदद ली है। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है या फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसके जगह पे आपके पास न्यूज पेपर होगी तो आप उसे भी इस पे चिपका सकते हैं। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो आप इसे सेलो टेप से भी अच्छी तरह से चिपका सकते हैं। मैंने नीचे आपको बताया है कि जैसे चार्ट पेपर चिपकाने के बाद हमने उस पे सेलो टेप लगाया है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे न्यूज पेपर या फॉइल पेपर लगा कर इसे अच्छी तरह से सेलो टेप की हेल्प से कवर कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस प्लास्टिक के बॉटल पे ग्लू लगा रही हूँ। अच्छी तरह से ग्लू से इसे कवर करने के बाद इसे हम बॉल पुट्टी से कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉल पुट्टी का डो पहले बना के रख लिया था और मैंने इसे एक प्लास्टिक शीट पे थोड़ा सा बॉल पुट्टी लेके अच्छी तरह से बेल दिया और मैं अब उसे यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए, मैंने जो यहाँ पे बॉल पुट्टी को बेला है उसे बेलने के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं और उस पर आप बॉल पुट्टी के डो को रख के आप घर में पड़ी बेलन से इसे अच्छी तरह से बेल सकते हैं। आप प्लास्टिक शीट पे अगर इसे रख के बेलते हैं तो आपकी जो शीट है वो काफ़ी बड़ी तैयार होगी, और अगर आप उसे ऐसे ही प्लेन सरफेस पे रख के कहीं भी बेलेंगे तो आप जो बेलेंगे तो वो छोटी छोटी सीट इससे तैयार होगी। तो इसे हम बॉल पुट्टी से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और उसके बाद इस पर कुछ डिटेलिंग करेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि बॉल पुट्टी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं बॉल पुट्टी का परफेक्ट डो बनाने के लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें कुछ टिप्स शेयर करूंगी, क्योंकि आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरी बॉल पुट्टी की डो अच्छी नहीं बनती है, हम जो क्राफ्ट बनाते हैं उसमें क्रैक्स आते हैं। तो मैं जो टिप्स उसमें शेयर करूंगी, अगर आप उस टिप्स को फॉलो करोगे तो आप जो बॉल पुट्टी के डो से क्राफ्ट बनाते हैं उसमें कभी भी क्रैक्स नहीं आएगा। अच्छी तरह से इसे कवर करने के बाद और इस पर डिटेलिंग करने के बाद मैं इसे सूखने के लिए रख दूंगी, और जब ये सूख जाएगा तब हम इसे कलर करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कलर करने के लिए वाइट कलर लिया है और उसमें बस थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स करके मैं इसे कलर करूँगी। आप कलर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर का यूज करें। फ्रेंड्स, मैं जो भी क्राफ्ट आपके साथ शेयर करती हूँ उसे बहुत ही सिंपल मेथड में आपको समझाना चाहती हूँ, और बहुत ही उसे सिंपल मेथड से मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है
तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। तो देखिए मैं अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फ्लावर बना ले रही हूँ और ये जब फ्लावर अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो मैं इसे हाईलाइट करूँगी। तो मैंने इस प्लांटर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे गोल्डन मटैलिक कलर का यूज किया है। मैं उसे बस अपने फिंगर पे थोड़ा सा लूँगी और उसे अपने फिंगर की हेल्प से ही इस पर अप्लाई कर दूँगी। तो देखिए इसी के साथ हमारा क्राफ्ट हो गया है कंप्लीट। तो मैं अब इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल ग्रास फ्लावर्स वगैरह रख के मैं इसे कंप्लीट करूंगी। आप इसमें नेचुरल प्लांट भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पे ऑल प्रेस जरूर करें। तो बहुत जल्द फिर से मिलती हूँ इसी तरह के बजट फ्रेंडली क्राफ्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।